सब्सक्राइब करें केस यूनिक किचन को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहिए, बात नहीं अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ। आमीन सुमा आमीन। यूनिक किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की। बनाना बेहद आसान है, रेसिपी जानने के लिए रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे 400 ग्राम मैंने स्ट्रॉबेरी ली है। मेरे पास ये फ्रोज़न है, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश ले लें। इसके साथ रेड फूड कलर लिया है, चंद ड्रॉप इसके हम डालेंगे। हाफ कप मैंने शुगर ली है और 1 लीटर ली है व्हिपिंग क्रीम। ये सारी चीज़ें चाहिए हमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी और शुगर को ग्राइंड कर लेते हैं, इनका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, व्हिपिंग क्रीम हमने बाउल में डाल ली है। यहाँ पे हमने चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है, तो अब इसको बीटर की मदद से बीट कर लेते हैं। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी क्रीम जो है व्हिप हो गई है। अब इसकी थिकनेस चेक कर सकते हो, जहाँ भी रख लेते हैं एक जगह पे ही रहती है, आगे पीछे नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये ग्राइंड किया हुआ स्ट्रॉबेरी जो हमने शुगर के साथ ग्राइंड कर लिया था, इसकी प्यूरी सारी इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, प्यूरी और क्रीम को हमने मिक्स कर लिया है। तो अब इसके कलर को थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स फूड कलर के ऐड कर देते हैं। यहाँ मैं रेड कलर की यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास पिंक कलर है तो वो आप यूज़ कर सकती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है, कोई सा भी ले सकते हैं। तो अब हम सारी आइसक्रीम जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको ऊपर से बंद करके 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, या ओवरनाइट भी आप रख सकते हो। इस तरीके से हम सारी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। मेरे पास है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हमारी यमी यमी सी आइसक्रीम जो है बनके रेडी हो गई है। तो अब हम इसको निकालते हैं बाउल में और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हो यहाँ पे यमी यमी सी हमारी आइसक्रीम बनके रेडी है। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके अल्लाह।